अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल्ला बिन अज़र और आप देख रहे हैं बाइक्स एंड कार ब्लॉग। व्यूअर्स, आज हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जामिया खालिद बिन वलीद के मोहतरम उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस हजरत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद ज़फ़र अहमद कासिम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो कि कज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं और जामिया के अंदर ही इनका नमाज़ जनाजा है। हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया नमाज जनाजा में शरीक होने का और हम भी इधर पहुंच चुके हैं नमाज जनाजा में। और जामिया खालिद बिन वलीद तकरीबन तमाम लोगों ने देखा ही होगा कितनी बड़ी जामिया है, और इस जामिया के अंदर पांव रखने की जगह नहीं है, इतना बड़ा हजरत का जनाजा है। तो ये देखें, हमें अंदर जगह नहीं मिली इसलिए हम ऊपर चले गए हैं, और इतनी गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। हज़रत काफ़ी अरसे से बीमार थे और अब वफात पा गए हैं। हम यहाँ हैं जनाजे के टाइम, तकरीबन मगरब की नमाज के बाद जनाजा है और यहाँ जनाजे के अंदर हम शरीक हो चुके हैं। हमें भी ऊपर जगह मिली है, नीचे तो कोई इस कदर इधर आवाम है, बहुत ज़्यादा रश है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो कोई लाखों के अंदर अफराद जनाजे के अंदर, बहुत दूर दूर से जनाजे के अंदर शिरकत किया लोगों ने। बाकी रात का टाइम है, सही तरीके से कैप्चर भी नहीं हो सका इतना हुआ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा अदा हो चुका है और लोगों को वापस जाने की अफरा तफरी है। तो दिखाते हैं, तो बहुत मुश्किल से हम पार्किंग स्टैंड पे पहुँचे हैं। यहाँ हमने अपने होंडा प्राइडर की ये टोकन दिया था, तो इधर भी हम आपको रश चेक कराते हैं। देखें कितनी आवाम है, कितने लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस जनाजे के अंदर शिरकत की है, और बहुत ज़्यादा सफ़र है। चलते हैं अब वापस, रात का टाइम है। ये देखें, जिस तरफ को हमारी नज़र पड़ रही है उस तरफ लोग ही लोग हैं। वो जामिया का गेट है, इतनी दूर हैं और पांव रखने की जगह नहीं है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ थोड़ा बहुत, हर तरफ लोग हैं। तो फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं, और रश के अंदर से गुजरने के बाद हमारा मोटरसाइकिल इंतहाई गर्म हो चुका है और